हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा, और आज के इस वीडियो सेशन में हम 4 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ आपको ईयरली करंट अफेयर्स मेंबरशिप प्लान मिल जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 10% ऑफ चल रहा है, आज आखिरी दिन है 4 अक्टूबर, तो CAF10 ये कूपन कोड आपको अप्लाई करना है और 10% ऑफ आपको इसमें मिल जाएगा। तो जितना भी हमारा PDF मटेरियल है करंट अफेयर से संबंधित, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। 1 साल तक के लिए आपकी मेंबरशिप वैलिड रहेगी, और जो प्रीवियस मंथ्स के करंट अफेयर्स PDF हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यदि आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारी इस कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हु वॉन सिंगापुर ग्रां प्री 2022? सिंगापुर ग्रां प्री 2022 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, सर्जियो पेरेस। तो सर्जियो पेरेस, इन्होंने सिंगापुर ग्रां प्री 2022 जीता है। आपको बता दें, इस साल इन्होंने मोनैको GP भी जीता था मई 2022 में। पेरेस की अगर बात करें तो ये मैक्सिकन रेसिंग ड्राइवर हैं जो वर्तमान में रेडबुल के लिए रेसिंग करते हैं Formula 1 में। द इंडियन एयरफोर्स रिटायर्ड द नंबर 51 सोर्ड आर्म MiG-21 फाइटर स्क्वाड्रन बेस्ड इन। भारतीय वायुसेना ने कहाँ स्थित नंबर 51 स्वॉर्ड आर्म्स MiG-21 लड़ाकू स्क्वाड्रन को सेवानिवृत्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, श्रीनगर। तो आपको जानना चाहिए इंडियन एयरफोर्स ने श्रीनगर स्थित नंबर 51 स्वॉर्ड आर्म्स MiG-21 फाइटर स्क्वाड्रन, इसको रिटायर कर दिया है। अब इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के पास केवल 3 MiG-21 बेसन स्क्वाड्रंस बचे हुए हैं जो कि अगले 3 साल में फेज आउट कर दिए जाएंगे, इनको भी रिटायर कर दिया जाएगा। और इनको जो ये MiG-21 है इसको रिप्लेस किया जा रहा है MiG-29 स्क्वाड्रन के द्वारा। आपको जानना चाहिए जो ये 51 स्क्वाड्रन है ये सेम स्क्वाड्रन है जिसको ग्रुप कैप्टन देन विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जिसका हिस्सा रहे, वही ये स्क्वाड्रन है 51 स्क्वाड्रन। आपको जानना चाहिए अगर हम इस 51 स्क्वाड्रन की बात करें तो चंडीगढ़ में 1 फरवरी 1985 को इसको रेस किया गया था, यानी कमीशन किया गया था अंडर द कमांड ऑफ विंग कमांडर VK चावला। 1 मई 1986 को इसे श्रीनगर लाया गया और इसको फिर 2004 में MiG-21 बेसन में अपग्रेड कर दिया गया। विच एक्टर हैज़ बीन मेड द नेशनल आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? किस अभिनेता को भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन बनाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, पंकज त्रिपाठी। तो एक्टर पंकज त्रिपाठी आप सभी जानते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नेशनल आइकॉन इनको बनाया गया है। इससे पहले ये बिहार राज्य के राज्य आइकॉन रहे, प्रतीक रहे। तो इनको क्यों चुना गया है? क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके साथ एसोसिएशन में इन्होंने कई सारे वोटर्स में अवेयरनेस फैलाने का काम किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ ये कई लंबे समय से जुड़े हुए हैं अवेयरनेस के लिए। आपको जानना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रेडियो सीरीज भी लॉन्च किया जिसका नाम है मतदाता जंक्शन। किसके साथ मिलकर? आकाशवाणी AIR के साथ मिलकर। ये भी वोटर अवेयरनेस से संबंधित एक रेडियो सीरीज है। बाकी आप जानते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं और इलेक्शन कमिश्नर हैं अनूप चंद्र पांडे। विच सिटी हैज़ बीन एडजस्ट द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर द 6th ईयर इन अ रो? किस शहर को लगातार 6ठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, इंदौर। ये जो मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ, एक क्वेश्चन मानकर चलिएगा कि पूछा जाएगा आपके आने वाले एग्जाम में, क्योंकि अब तक भी पूछा गया है जब जब ये इस तरह का रिपोर्ट जारी की गई है, इस तरह के रिजल्ट जारी किए गए हैं, एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो लगातार 6ठे साल इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है ये क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बनी है, और क्लीनेस्ट स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश।
सूरत दूसरे नंबर पर आता है, यदि हम क्लीनेस्ट सिटी की बात करें नवी मुंबई तीसरे नंबर पर आता है, वाइजैक चौथे नंबर पर और विजयवाड़ा फिफ्थ नंबर पर। ये जो हम सिटीज़ की बात कर रहे हैं ये उन सिटीज़ की बात कर रहे हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है, तो उनमें इंदौर नंबर 1 पर है। अब अगर हम बात करें उन सिटीज़ की जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से कम है, तो महाराष्ट्र का पंचगनी ये पहले नंबर पर है और छत्तीसगढ़ का पतन ये सेकंड पोजीशन पर है और महाराष्ट्र का ही करण ये थर्ड पोजीशन पर है। आपको जानना चाहिए तिरुपति, इसे बेस्ट सिटी अवार्ड इन सफाई मित्र सुरक्षा कैटेगरी दिया गया है, कर्नाटक के शिवमोगा, इसको फास्ट मूवर सिटी अवार्ड दिया गया है। 62 कैंटोनमेंट जो एरिया हैं आपके उनमें देवलाली महाराष्ट्र इसको क्लीनेस्ट बताया गया है, हरिद्वार को क्लीनेस्ट गंगा टाउन बताया गया है यदि हम 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटीज़ की बात करें, वाराणसी दूसरे नंबर पर है, ऋषिकेश तीसरे नंबर पर है। यदि हम 1 लाख से कम की पॉपुलेशन वाली सिटीज़ की बात करें तो बिजनौर को बेस्ट गंगा टाउन बताया गया है। फिर से आ जाते हैं मध्य प्रदेश पर ही, तो ये जो हमने देखा है मध्य प्रदेश बेस्ट यानी कि क्लीनेस्ट स्टेट है, तो ये मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज की कैटेगरी में है। ठीक है, यदि हम मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करें तो उस कैटेगरी में मध्य प्रदेश क्लीनेस्ट स्टेट है। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे पर महाराष्ट्र है और इसी कैटेगरी में तमिलनाडु वर्स्ट परफॉर्मर रहा है। अच्छा, अब अगर हम बात करें जहाँ पर लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ है तो उस कैटेगरी में त्रिपुरा ये क्लीनेस्ट स्टेट है, झारखंड दूसरे नंबर पर है, उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है और यहाँ पर सबसे फिसड्डी कौन सा स्टेट है क्लीनेस के मामले में, मेघालय, जबकि जो सबसे क्लीनेस्ट विलेज है भारत का वो मेघालय में है, पर यहाँ पर मेघालय जो है बॉटम है लिस्ट में। अच्छा, साथ ही आपको जानना चाहिए जो अवार्ड्स हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए हैं एज पार्ट ऑफ द आज़ादी 75 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। साथ ही इन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 डैशबोर्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स द्वारा बनाया गया इसको भी रिलीज़ किया है। आपको जानना चाहिए न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल ये जो एरिया है इसको क्लीनेस्ट स्मॉल सिटी विद अ पॉपुलेशन बिटवीन 1 to 3 लाख इसको घोषित किया गया है, जबकि गुजरात का अहमदाबाद और कर्नाटक का मैसूर ये क्लीनेस्ट मेगा सिटी एंड मीडियम सिटी हैं रेस्पेक्टिवली। यानी कि अहमदाबाद क्या है क्लीनेस्ट मेगा सिटी और मैसूरू क्या है क्लीनेस्ट मीडियम सिटी। साथ ही आपको जानना चाहिए यदि हम बिग सिटीज़ की बात करें जहाँ पर 10 से 40 लाख की पॉपुलेशन है तो विशाखापट्टनम को क्लीन बिग सिटी अवार्ड दिया गया है, वहीं राजकोट को बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी का अवार्ड दिया गया है। आपको जानना चाहिए जब फर्स्ट स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हुआ था 2016 में तो केवल 73 सिटीज़ को सर्वे किया गया था और अब इन 8 सालों में 4,354 सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। इस साल 22 राज्य और 5 यूनियन टेरिटरीज ने ये अवार्ड्स प्राप्त किए हैं अलग अलग कैटेगरीज में। साथ ही आपको जानना चाहिए इंदौर ये इंडिया की फर्स्ट 7-स्टार गार्बेज फ्री सिटी है, महत्वपूर्ण पॉइंट है याद रखिएगा। अच्छा, और 11 सिटीज़ ऐसी हैं जो 5-स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़ हैं, ये कौन कौन सी हैं, सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम एंड तिरुपति, ये हैं 5-स्टार गार्बेज फ्री सिटी। और 7-स्टार गार्बेज फ्री सिटी कौन सी है, इंदौर। तो इस तरह से आप पूरी जो भी मैंने आपको बताया इसमें देख सकते हैं, जो मेन है इसको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स फंडा नाम से है। द एक्सरसाइज नेम्ड पर्वत प्रहार इज बीइंग कंडक्टेड इन विच स्टेट और यूटी, पर्वत प्रहार नामक अभ्यास किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, सही आंसर ऑप्शन ए है लद्दाख। आपको जानना चाहिए इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे इन्होंने हाल ही में लद्दाख में पर्वत प्रहार नामक एक्सरसाइज को रिव्यू किया, उसकी समीक्षा की है। ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी की 1 स्ट्राइक कॉर्प्स द्वारा कंडक्ट की गई है। जनरल पांडे की जो ये विजिट है लद्दाख में ये उस समय पर आई है जब इंडिया और चाइना दोनों ही देश गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया से डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं। विच एजेंसी लॉन्च्ड द ग्रीन फिन्स हब, किस एजेंसी ने ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया, ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा UNEP।
तो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि UNEP इसने यूके बेस्ड चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है। आपको बता दें ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है, किसके लिए? सस्टेनेबल मैरीन टूरिज्म के लिए। सस्टेनेबल का मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम आज यूज़ कर रहे हैं और आगे भी हमारी जनरेशन यूज़ कर सके। मैरीन का मतलब आप समझ गए, वाटर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वाटर से संबंधित। तो ये उन सभी के लिए हैं जो वाटर एक्टिविटीज़ कराते हैं, जो लोग हैं जिनका जीवन जिनका घर बार जो है वाटर एक्टिविटीज़ से चल रहा है, टूरिस्ट आते हैं वाटर एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वही जो ऑपरेटर्स हैं जो वाटर एक्टिविटी कराते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। वो नई नई टेक्निक यहाँ पर सीख सकते हैं, किस तरह से टूरिज्म बढ़े, किस तरह से उनका काम और अच्छा चल सकता है, तो उसी संबंधित ये प्लेटफॉर्म है। और साथ ही ये भी है कि जो मैनग्रूव फॉरेस्ट होते हैं उनको किस तरह से बचाया जा सके, कोरल रीफ्स उन पर कम से कम इम्पैक्ट पड़े टूरिज्म का, ठीक है, तो ये भी इस प्लेटफॉर्म पर बताया गया है। तो ये फर्स्ट एवर ग्लोबल मैरीन टूरिज्म इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म है, ये आपको याद रखना है। UNEP की अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर्स नैरोबी केन्या में है, स्थापना 1972 में इसकी हुई थी, हेड है इंगर एंडरसन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ललित बशीन। तो जाने माने लॉयर हैं ललित बशीन, इनको इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नेशनल प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। तो ये 54th नेशनल प्रेसिडेंट होंगे इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के। आपको बता दें जो ये इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है इसको अक्टूबर 1968 में सेटअप किया गया था, हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, एन एस राजन। तो एन एस राजन जो कि डायरेक्टर है ऑगस्ट वन पार्टनर्स LLP के, तो इनको यूनैनिमसली बिना किसी विरोध के एक स्वर में इलेक्ट कर लिया गया है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन। साथ ही सोगाता गुप्ता इनको वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है, शशिधर सिन्हा इनको ऑनरेरी ट्रेजरर नियुक्त किया गया है। 15th इंटरनेशनल सूफी रंग फेस्टिवल 2022 हेल्ड एट विच प्लेस। 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 किस स्थान पर आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, अजमेर। तो 15th इंटरनेशनल सूफी रंग फेस्टिवल 2022 ये अजमेर राजस्थान में हाल ही में संपन्न हुआ। इसको चिश्ती फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं हाजी सैयद सलमान द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जो इवेंट है ये सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर लॉन्च्ड अ मंथ लॉन्ग नेशन वाइड स्वच्छ भारत 2022 एट विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान से एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2022 का शुभारंभ किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, प्रयागराज। आपको जानना चाहिए 1 अक्टूबर को प्रयागराज उत्तर प्रदेश से स्वच्छ भारत 2022 इस तरह का एक कैंपेन जो कि एक महीने तक चलने वाला है लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। तो स्वच्छ भारत 2022 प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 744 डिस्ट्रिक्ट के जो 6 लाख गांव हैं उनमें, और नेहरू युवा केंद्र संगठन इसमें हेल्प कर रहा है। आपको बता दें इसमें टारगेट वही है कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको कलेक्ट करना और डिस्पोज करना। तो इन्होंने टारगेट रखा है कि 1 करोड़ केजी प्लास्टिक वेस्ट हम कलेक्ट करेंगे और डिस्पोज करेंगे इस एक महीने में। हाउ मैनी प्रोजेक्ट्स एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 1145 करोड़ रुपीज हैव बीन अप्रूव्ड बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति द्वारा 1145 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, 14। तो देखिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 1145 करोड़ रुपए की लागत से 14 प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है। ये 14 प्रोजेक्ट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल
इन 5 मेन स्टेम गंगा बेसिन स्टेट्स में शुरू किए जाएंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इसके डायरेक्टर जनरल जी अशोक कुमार हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की बात करें तो इसे 12 अगस्त 2011 को इस्टेब्लिश किया गया था अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। और जो ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है ये नेशनल गंगा काउंसिल के तहत आता है और इसमें जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल है तो यहाँ पर भी जो है स्टेट लेवल प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, इनके द्वारा इसको सपोर्ट किया गया है। ये जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है इसको DBS बैंक इंडिया हैज़ कोलेबरेटेड विद विच इंश्योरर टू प्रोवाइड ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस सॉल्यूशन टू टाटा मेटालिक्स। DBS बैंक इंडिया ने टाटा मेटालिक्स को ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस समाधान प्रदान करने के लिए किस बीमाकर्ता के साथ सहयोग किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, STFC Ergo। तो DBS बैंक इंडिया लिमिटेड इसने क्रेडिट इंश्योरेंस एक प्रोवाइड कराया है, अकाउंट्स रिसीवेबल सॉल्यूशन ये इसका नाम है, किसको? टाटा मेटालिक्स को। किसके साथ मिलकर? STFC Ergo जनरल इंश्योरेंस और एट्राडियस के साथ मिलकर। STFC Ergo की अगर हम बात करें, MD&CEO और रितेश कुमार हैं, चेयरमैन KKM मिस्त्री हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है टेक इट इजी। वहीं अगर हम DBS बैंक इंडिया लिमिटेड की बात करें, MD&CEO सुरजीत शोम है, हेडक्वार्टर्स है इसका इंडिया में मुंबई में और टैगलाइन लिव मोर बैंकलेस है। हाल ही में हमने देखा STFC Ergo से संबंधित एक करंट अफेयर कि गूगल क्लाउड और STFC Ergo ने टीम अप किया है टू डिजिटाइज इंश्योरेंस बाइंग इन इंडिया। द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन लॉन्च्ड इट्स ग्रास रूट्स फुटबॉल डेवलपमेंट स्कीम इन विच स्टेट। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किस राज्य में अपनी ग्रास रूट्स फुटबॉल विकास योजना शुरू की? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको जानना चाहिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अपना ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट स्कीम यानी कि GFD स्कीम इसको अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया है 6 से 12 साल के जो बच्चे हैं जो फुटबॉल में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए इस मौके पर चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू मौजूद रहे, साथ ही AIFF के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे हैं, यह भी आपको जानना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल ईटानगर है, गवर्नर BD मिश्रा हैं। हाल ही हमने देखा कि किब्बीथू मिलिट्री कैंप ये अरुणाचल प्रदेश में इसको रिनेम कर दिया गया है और अब इसका नाम रखा गया है जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर, लेट CDS जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर इस कैंप का नाम रखा गया है। हिताची एस्टेमो हैज इंस्टॉल्ड इट्स इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर प्लांट इन विच स्टेट। हिताची एस्टेमो ने किस राज्य में अपना भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, महाराष्ट्र। तो हिताची एस्टेमो इसने अपना भारत का पहला सोलर पावर प्लांट जलगांव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो महाराष्ट्र में है यहाँ पर इंस्टॉल किया है। तो 3 मेगावाट का ये सोलर पावर प्लांट होने वाला है। Which company announced the commercial launch of India's first high throughput satellite broadband service powered by ISRO? किस कंपनी ने इसरो द्वारा संचालित भारत के पहले उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट यानी उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा के वाणिज्यिक लॉन्च की घोषणा की? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, ह्यूजेस कम्युनिकेशंस। तो लीडिंग सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर है ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया, इसने इंडिया का फर्स्ट हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस इसे कमर्शियल लॉन्च की अनाउंसमेंट कर दी है। किसकी सहायता से? इसरो की सहायता से। तो इसरो के जो GSAT-11 है और GSAT-29 सैटेलाइट है तो इनसे जो KU बैंड कैपेसिटी है उसको जो ये ह्यूजेस है इसकी जुपिटर प्लेटफॉर्म ग्राउंड टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइंड किया गया है ताकि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पूरे भारत में दिया जा सके। आपको बता दें जो ये ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया है ये ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम की सब्सिडरी है और इसका जो काम है वो यही है कि देश भर में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कराना। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड कम्स अंडर विच डिपार्टमेंट? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किस विभाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। तो क्यों ये क्वेश्चन बनाया गया है? क्योंकि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF ये चर्चा में रहा, ये एक बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस और इसने हाल ही में टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TTDF इस स्कीम को लॉन्च किया है। आपको जानना चाहिए जो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है इसका मकसद यही रहेगा कि जो रूरल स्पेसिफिक
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस हैं उनको उनकी फंडिंग करना, उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंडिंग करना, और जो स्टार्टअप्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडस्ट्री है, तो इन सब को एक साथ लेकर चलना, ताकि जो रूरल एरियाज है, देखिए जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है ये क्या है ये आपको जानना चाहिए। इसको पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा अप्रैल 2002 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसका मकसद क्या है कि जो रिमोट एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं या फिर रिमोट एरियाज हैं जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा नहीं है और कुछ टेक्नोलॉजी का उपयोग भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर इंटरनेट की अच्छी सेवा प्रोवाइड कराना, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना, तो उसके लिए जो कंपनीज हैं उनको फंडिंग दी जाती है, जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द आसरा पेंशन विद अ व्यू टू एंश्योरिंग सिक्योर लाइफ फॉर ऑल द पुअर, किस राज्य सरकार ने सभी गरीबों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए आसरा पेंशन शुरू की है। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, तेलंगाना। तो देखिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने आसरा पेंशंस इसको इंट्रोड्यूस किया है जो भी राज्य के गरीब लोग हैं उनके लिए, तो इसमें जो ओल्ड पीपल हैं, विडोज हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, बीडी वर्कर्स हैं, तो उनको इसमें जो है उनको पेंशंस प्रोवाइड कराई जाएगी। तेलंगाना के बारे में हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, बाकी आपको ये जानना चाहिए। हाल ही हमने पढ़ा था कि तेलंगाना का जो मिशन भागीरथ है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का अवार्ड मिला है। एयरटेल एंड विच कंपनी पार्टनर टू ब्रिंग इंडियाज फर्स्ट 5G इनेबल्ड इमर्सिव एक्सपीरियंस टू विजिटर्स एट द इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022। एयरटेल और किस कंपनी ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2022 में आगंतुकों के लिए भारत का पहला 5G सक्षम इमर्सिव अनुभव लाने की भागीदारी की है। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, नोकिया। तो एयरटेल और फिनलैंड की कंपनी है नोकिया, इन्होंने पार्टनरशिप की है, किस लिए, जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 है, यहाँ पर जो विजिटर्स रहे उनको इंडिया का फर्स्ट 5G इनेबल्ड इमर्सिव एक्सपीरियंस देने के लिए। आपको बता दें जो एयरटेल एंड नोकिया है ये काशी विश्वनाथ टेम्पल और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इनकी होलोग्राफिक इमेज जो है इन्होंने जो भी टूरिस्ट आए उनको दिखाया है और बताया कि किस तरह से जो 5G जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी कारगर है, कितनी सुदृढ़ है। बाकी आपको जानना चाहिए 2020 में जो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन रहा GDP में ये 121.9 बिलियन यूएस डॉलर का रहा और 2028 तक 512 बिलियन यूएस डॉलर का हो सकता है। टैगोर एंड गांधी वॉकिंग अलोन वॉकिंग टुगेदर वॉज अमंग हाउ मैनी बुक्स दैट वर एडजस्ट द बेस्ट बुक्स ऑफ द ईयर एट द वैल्यू ऑफ वर्ल्ड्स बुक्स अवार्ड्स। टैगोर एंड गांधी वॉकिंग अलोन वॉकिंग टुगेदर उन पुस्तकों में से एक थी जिन्हें वैल्यू ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड्स में वर्ड्स की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का पुरस्कार दिया गया। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 8। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी पुरस्कार किसी को दिया जाता है तो नाम कभी कभी एक ही निकल कर आता है। मान लीजिए 5 अंग्रेजों को दिया गया और उनमें एक भारतीय है तो नाम क्या आएगा कि भारत की रहने वाली इनको ये पुरस्कार दिया गया, तो हम केवल उतना ही पढ़ते हैं, जबकि आपको यही पढ़ना चाहिए कि टोटल कितने लोगों को दिया गया है। आजकल अगर आप पैटर्न देखें क्वेश्चन का तो ये चीज़ पीछे छोड़ देते हैं कि किसको दिया गया, किस भारतीय को दिया गया, ये पूछा जाता है कि इस भारतीय को दिया गया इनके साथ कितने को दिया गया है, 6 लोगों को, 5 लोगों को, 4 लोगों को, तो ये आपको जरूर देखना है कोई भी अवार्ड जो मिलता है, ठीक है। तो देखिए अनीस सलीम की द ऑड बुक ऑफ बेबी नेम्स इसको और रुद्रांशु मुखर्जी की टैगोर एंड गांधी वॉकिंग अलोन वॉकिंग टुगेदर इंग्लिश नॉन फिक्शन कैटेगरी इनको जो है बेस्ट बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है वैल्यू ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड्स में, तो एक को इंग्लिश नॉन फिक्शन के लिए, एक को इंग्लिश फिक्शन के लिए, बाकी ये आप पूरी अवार्ड लिस्ट दे सकते हैं, टोटल 8 अवार्ड्स दिए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च द फर्स्ट फेज ऑफ 5G सर्विसेज इन हाउ मेनी सिटीज अक्रॉस इंडिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत भर के कितने शहरों में 5G सेवाओं के पहले चरण की शुरुआत की, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 13। तो जानिएगा पीएम नरेंद्र मोदी ने 13 सिटीज भारत में, जो 13 सिटीज हैं नाम भी मैं एक बार बता देता हूँ, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एंड पुणे, तो यहाँ पर 5G सर्विसेज का फर्स्ट फेज शुरू किया है। ये इवेंट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुआ है। आपको बता दें
ये जो लॉन्च हुआ ये किस दौरान हुआ? इंडिया का बिगेस्ट टेक्नोलॉजी फेस्टिवल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 ये इनोग्रेट किया गया है, इसी के दौरान ये 5G सर्विसेज लॉन्च की गई हैं। आपको जानना चाहिए जुलाई के महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 51,236 मेगाहर्ट्ज़ के 5G एयरवेव्स को ऑक्शन किया था और इससे इन्हें रेवेन्यू मिला 1,50,173 करोड़ रुपीज़ का। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ये जो 5G टेक्नोलॉजी है तो ये 2035 तक 450 बिलियन यूएस डॉलर इंडियन इकोनॉमी में जोड़ सकती है। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि 5G टेक्नोलॉजी से संबंधित 100 लैब्स हम पूरे भारत भर में सेटअप करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC इसका 6th एडिशन इनोग्रेट किया है, जिसका थीम रहा न्यू डिजिटल यूनिवर्स। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। व्हाट वाज द टैक्स टू GDP रेशियो इन फिस्कल ईयर 2021-22? आंसर इज 11.7%। व्हिच इज द ओनली गल्फ कंट्री टू हैव अ फुली इलेक्टेड पार्लियामेंट? आंसर इज कुवैत। बिटवीन व्हिच टू सिटीज वाज द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च्ड? न्यू दिल्ली वाराणसी। सावक द सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस वॉज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ईरान। इन वट ईयर वर द नेशनल गेम्स देन कॉल्ड द इंडियन ओलंपिक गेम्स लॉन्च्ड इन लाहौर? 1924। विच यूथोपियन ग्रेट्स रिकॉर्ड हैज केनियन रनर एलियुड किपोगे इक्वल्ड विद हिज 4th विन एट द बर्लिन मैराथन दिस ईयर? आंसर इज हेले गेब्रेसिलेस। सीनियर एडवोकेट आर वेंकटरमणी हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू अटॉर्नी जनरल हु मेक्स द अपॉइंटमेंट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? इन विच ईयर वॉज द पोस्ट ऑफ CDS क्रिएटेड? आंसर December 2019। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसी तरह से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करते रहिए। अच्छा, RRBPO मेन से मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन दिखाए थे, तो एक क्वेश्चन ये रह गया था, ये भी कल ही मुझे मिला है। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, हमने भी कवर किया था इसको, 30th मीटिंग वाला। इसका आंसर बांग्लादेश होना था। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेटेड? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज विथड्रॉन इट्स कंट्रोवर्शियल कैटल बिल? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड बीजेपी मेयर्स कॉन्क्लेव एट विच प्लेस? साइंटिस्ट इन विच कंट्री हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन आर्कटिक वोल्फ नेम्ड माया? इन सेप्टेम्बर टाइफून नैनमडोल known in Philippines as Super Typhoon Jossi made landfall in which country? The Indian Army decided to shift its annual Army Day parade out of Delhi and will hold it next year in which area? National Disaster Management Authority NDMA celebrated its which formation day on 28 September 2022? Around million people globally were living in modern slavery in 2021 according to the Global Estimates of Modern Slavery Report published by the International Labour Organization, International Organization for Migration and International Human Rights Group Walk Free। तो इन 8 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप जरूर से बताएं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइज़।